वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्मी की रसोई। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। यहाँ पे आज मम्मी बनाने वाली हैं कटहल की सब्जी। यहाँ पे मम्मी रसे वाली कटहल की सब्जी बना रही हैं। तो मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी कैसे बनाने वाली हैं, कौन सी विधि मम्मी यूज करने वाले हैं कटहल की रसे वाली सब्जी बनाने के लिए। नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की रसे वाली सब्जी। आप सब बनाते ही होंगे कटहल की सब्जी, कोई नई रेसिपी नहीं आई है। तो सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं आज जिस तरीके से बना रही हूँ वो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो कटहल। इसके छिलके मैंने पहले सब्जी वाले से ही हटवा लिए थे क्योंकि इसके छिलके छिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये लिया आधा किलो कटहल मैंने। इसमें डालूंगी सारे बेसिक मसाले और ये थोड़ी सी मैंने लिया आधी कटोरी खट्टी धनिया। थोड़ी आपके पास नॉर्मल दही है वो भी चल जाएगी, कोई इसमें खट्टी दही की जरूरत ऐसी नहीं है। पर मैं डालती हूँ इसमें थोड़ी हल्की सी खट्टी जिसमें खटासा है, इसलिए मैं खट्टी दही ली है थोड़ी सी। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं ग्रेवी के लिए और 3 से 4 हरी मिर्चें। अगर आपके पास अदरक, आप इसमें प्याज अदरक लहसुन डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं, पर मैं आज बिना प्याज का कटहल बना रही हूँ। तो सरसों का तेल लिया है कटहल काटने के लिए, जिसे मैं थोड़ा सा चाकू पे लगाऊंगी जिससे हमारे हाथ पे कटहल ना चिपके और आसानी से कट जाए। तो इसको आपको तो हमें हाथ से भी सरसों का तेल लगाना है? नहीं, ऐसी कोई वो उसमें जरूरत नहीं है, चाकू पे लगा हुआ तो आराम से कट जाते हैं। जैसे आपको लगाना चाहिए कि मैं हाथ पे इसलिए नहीं लगा रही सरसों का तेल क्योंकि वो स्लिप मारेगा। अगर हम हाथ पे लगा लेंगे तो वो कटहल स्लिप मारेगा। आप ये कर सकते हैं कि कटहल पे आप नींबू लगा सकते हैं जिससे वो आपके हाथों पे ना चिपके। मैंने पहले एक सब्जी बनाई थी सूखे कटहल की, तो मैंने आपको बताया था अगर आप कटहल पे हल्का सा नींबू लगा देंगे तो वो आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा, आसानी से कट जाएगा। इसलिए जो हमारे ये इसका ऊपर का मोटा पार्ट है ये काट देंगे हल्का सा। नीचे से भी आपको ये एक्स्ट्रा लग रहा है ये भी आप काट दीजिए। छिलका तो हमने हटा दिया था पहले, देखिए थोड़ा मोटा है ना, इसे हम निकाल देंगे। अब इसको आपको ऐसे पीसेस करने हैं, इसके पीसेस आपको थोड़े मोटे ही रखने हैं। अगर आप ज़्यादा इसको खोल देंगे जैसे देखिए, फिर वो अलग अलग इसके रेशे हो जाते हैं, अलग अलग रेशे हो जाते हैं। ये जो हम रस्से का कटहल बनाते हैं इसमें हमको ज़्यादा रेशे नहीं चाहिए होते, इसमें हमको थोड़े ऐसे सब पीस में हल्का सा कट लगाऊंगी इसमें बीज में, जिससे हम जब तलेंगे तो इसके बीज फटे ना। नहीं तो क्या होता है कई बार इसके हमारे तलते हुए बीज इसके फट जाते हैं। देखिए ऐसे ही बीज है, इसमें मैं यहाँ से इसमें कट लगा दे रही हूँ। नहीं तो तलते हुए क्या होता है कई बार इसके बीज एकदम से फट जाते हैं तेल में। इसको मैंने हल्का सा चीरा लगा दिया जिससे वो तले वो फटे ना बीज इसके। अगर हम ऊपर से इसको ज़्यादा काटेंगे तो देखिए इसके रेशे अलग अलग हो जाते हैं। तो हमें मोटे पीस ही रखने, मोटे पीस रखने हैं और ऊपर से थोड़ा कम काटना है, मतलब जिससे जॉइंट सा रहे। ये देखिए मैंने आधा आधा कर दिया। और एक बात इसमें ये है, अगर वैसे तो जो हम सूखा कटहल बनाते हैं उसके लिए हम बीजों को पूरा साफ करते हैं। ये देखिए ऐसे साफ कर लेते हैं इसका कैड़ा छिलका। ये देखिए ये पूरा कैड़ा छिलका निकाल देते हैं हम भी सूखा कटहल बनाते हुए। रस्से के कटहल में हम इसके छिलके नहीं निकालते। यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो पर ये ऐसे ही अच्छा लगता है पूरा इसके साथ अगर आप तलते हैं तो इसका टेस्ट उसमें ही आता है। इसके लिए आप एक तरीका कर सकते हैं, जब आप तल लें तो उसके बाद आप इसके बीज का छिलका निकाल दीजिए, या खाते हुए आपको ध्यान रखना है जिससे ये छिलका आपके गले में ना अटके। तो इसका टेस्ट तो वैसे ऐसे ही आता है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है इसके पीसेस मोटे मोटे। तो अगर आप नहीं चाहते अभी बीज के छिलके निकालना तो आप तलने के बाद आराम से उनका छिलका निकाल सकते हैं, छिलका निकाल सकते हैं। नहीं तो खाते हुए आपको ध्यान रखना है कि वो आप छिलका उसका खाने भी ज्यादातर ये होता है वो गले में चिपक जाता है, वो चिपकने का डर रहता है, वो चिपक जाता है। तो मेरे साथ काफी टाइम मतलब हमेशा यही होता है कि मेरे गले में छिलका चिपकता है। तो फिर हम इसको तलने के बाद उनके जो छिलक है बीच के उसको हम निकाल लेंगे। आपको ऐसे सारा करके काटना है और जो बीज है उन पे ऐसे आपको चीरा लगा देना जिससे वो तलते हुए ना फटे। तो इसी तरह से मैं सारा कटहल काट लूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमने कटहल को काट लिया है, देखिए सारे बीज को भी मम्मी ने आधा आधा कर दिया है जिससे ये पटके ना कढ़ाई में। तो अब हम इनको धो लेंगे। धो लिया था
अब यहाँ पर जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च लिया है इसे मैं काट लूँगी ग्रेवी के लिए। और इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल पका के रख लिया है, ये हमारे को तलने के लिए चाहिएगा कटहल को। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं, पर इस सरसों के तेल में इसका अच्छा ज़्यादा टेस्ट आता है। ऐसे काट के हम इसे पीस लेंगे। काफ़ी इजी रेसिपी है और हम आपके साथ इजी रेसिपीज ही शेयर करते हैं। आपके साथ जो तरीके आसान होते हैं सब्जी बनाने के या कुछ भी बनाने के, वो ही तरीके हम आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए बनाने में। आप चाहे तो इसके साथ आप प्याज भी पीस सकते हैं अगर आप प्याज खाते हैं। प्याज लहसुन अदरक आप सबको डाल के एक साथ ग्रेवी पीस के ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। पर मैं आज टमाटर और दही की बना रही हूँ क्योंकि इसमें दही का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये हमारे सारे टमाटर कट चुके हैं, अब हम इसको पीस के लिए आएंगे। हमें ग्रेवी के फॉर्म में इसको पीसना है। ये जो हमने दही ली थी ये भी इसमें डाल दूंगी मैं सारी, आधी कटोरी दही है ये। तो अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ये देखिए हमने टमाटर दही मिर्च सबको मिला के पीस लिया था। ये देखिए ये ग्रेवी के फॉर्म में बन चुका है। अभी तक हम तेल गरम कर रहे हैं कटहल को तलने के लिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब जैसे हमने इसे धोया था तो इसमें थोड़ा पानी रह जाता है, तो जब भी आप इसे तले थोड़ा सा इसको आप ऐसे झटका मार लीजिए जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए, नहीं तो ये इसमें काफ़ी इसमें छींटे आने का डर रहता है। मैंने पानी निचोड़ लिया था तो इतने इसमें छींटे नहीं आए, बहुत कम इसमें आए, तो काफ़ी इसमें छींटे आने का डर रहता है। ऊपर गोल्डन ब्राउन जब तक इसका कलर हो, जब तक हमारे पास को तलना है, हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए डाल की इसको तलना है क्योंकि इसमें उसका कलर वो ये अच्छा लगता है। फ्लेम हमें कैसे रखनी है? फ्लेम तेज पे तला जाएगा, ये तेज फ्लेम पे ही तला जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जब ये हमारा इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। देखिए ये कितना अच्छा इसमें कलर आया, देखिए गोल्डन गोल्डन शेड आ गया इसका। बहुत टेस्टी लगता है कटहल खाने में। फुल फ्लेम भी आपको इसको तलना है। वैसे आपको बीजों का जरूर ध्यान रखना है, आपको उनमें चीरा मार लेना है बीज में, ये तो वो उसका पटकने का डर रहता है, तो इसलिए आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना है जब आप डालें इसको कटहल को तलने के लिए। थोड़ा सा झटक लें जिससे इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो सब बाहर निकल जाए। थोड़ा सा आपको काफ़ी अच्छी आ रही है, ऐसे हम ये सारा कटहल तल लेंगे। हमने ये सारा कटहल तल लिया, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये आपको भी इसका ऐसे ही कलर रखना है, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क करना है इससे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इधर हमने कुकर गर्म कर लिया, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे सरसों का तेल छौंकने के लिए। इसमें हमें कुछ छौंक लगाना है। कटहल तल चुका था, अभी ठंडा भी हो गया है, तो जो ये देखिए जो इसके जो बीज है और जो इसके जो पतले वाले जो छिलके हैं वो सारे सब निकल जाएंगे। देखिए अभी मैं हम आपको निकाल के दिखाते हैं छिलके। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बीज खुद ही निकला पड़ा था बाहर, तो इसको मैं जो ये वाला इसका जो छिलका है ये वाला गले में फंसता है, तो मैं बीज यहाँ पे निकाल दूंगी। और ये देखिए छिलका हम हटा देंगे इसे। अभी मैं आपको एक और बीज दिखाती हूँ, ये देखिए वाला बीज है ना, तो इसमें किसी इसमें में नहीं, किसी में नहीं होता है छिलका, किसी में नहीं होता, इसमें नहीं जो है इसकी आपके ये है ये देखिए देखिए कवर ये वाला हमें मिला है, इसमें ये छिलका आप निकाल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये गले में फिर फंसता है और फिर अटकने का डर रहता है। ये देखिए जैसे ये है बीज, आपको अंतर गुद्दे में से वैसे निकालने नहीं पड़ेंगे, बाहर ही आपको मिल जाएंगे। कोई कोई बाहर आपको अगर ऐसा निकालने में आपको प्रॉब्लम आती है बीज तो आप खाते भी नहीं निकाल सकते हैं, जब आप खाइए देखिए जैसे गुद्दे में है तो आराम से निकल जाएगा।
बीच हम निकाल दिए क्योंकि ये वरना दिक्कत करते हैं गले में। देखिए ये हो गया बीच, और ये ऐसे हम सारे अपने जो बीच है उनको साफ कर लेंगे। देखिए ये हमने ये जो छिलक के ऊपर जो ऐसे बीच के ऊपर जो छिलके थे ये जो बीच के ऊपर जो छिलके होते हैं उनको हमने निकाल के देखिए ऐसे, और ये हमारा कटहल अब बिल्कुल तैयार है छुकने के लिए। अब इधर हमने तेल डाल लिया था, अब इसमें हम डालेंगे हींग। इसमें हींग थोड़ा सा आपको ज़्यादा डालना है क्योंकि इसमें हींग का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है और ये भारी भी नहीं करता, कटहल आपको भारी भी नहीं करेगा अगर आप हींग ज़्यादा डालते हैं। एक चम्मच जीरा, इसे हम भून लेंगे थोड़ा सा। चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि धनिया भी इसमें ज़्यादा अच्छा धनिया का टेस्ट आता है। आपको इसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा ही डालने हैं, आपको भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर पौनी चम्मच के करीब, मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया इसमें। थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर इसमें क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल रखी है पहले, थोड़ा ही डालूंगी मैं इसमें। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा, इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच में डाला गरम मसाला, छोटी चम्मच चाहिए। अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके थे कि थोड़ा सा हमारा भून गया। अब इसमें हमें डाल दूंगी पानी, इसमें पानी आपको ज्यादा से डालना है, थोड़ा सा आपको इसमें पानी ज्यादा डालना है क्योंकि हम ये लस्सी की सब्जी बना रहे हैं कटहल की, और कटहल थोड़ा सा पानी सोख करता है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाला है। इसमें हम डाल देंगे कटहल। अब इसमें मैं 2 विसिल लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पे, जिससे ये सारा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और उसका टेस्ट आएगा। इसमें मैं विसिल दूंगी। अब हम मीडियम फ्लेम पे 2 विसिल लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कटहल। अब बस उसका ढक्कन लगा रहे हैं, फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे और 2 विसिल आने के बाद बंद करके हम चेक करेंगे कि हमारा कटहल कैसा होगा। कॉफी मिलते हैं जब कुकर में 2 विसिल आ जाती है और कुकर ठंडा हो जाता है। इसमें 2 विसिल आ चुकी थी, कुकर हमारा ठंडा हो चुका था। अब इसे मैं खोलूंगी, कितना परफेक्ट हमारा ये लस्सी का कटहल बन के आए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी इस टाइम। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इस बर्तन में निकलेगा उतना ही हम अभी इसमें निकालेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ये कटहल। हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हमारी रसोई की कटहल की सब्जी तैयार हो चुकी है। ये हमारी छोटी सी रेसिपी की लस्सी का कटहल हम कैसे बनाएं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपकी कटहल की सब्जी कैसी बनी। जी आज ये हमारी छोटी सी रेसिपी कि हम कटहल की सब्जी रसे वाली कैसे बना सकते हैं। मम्मी ने आपके साथ अपनी विधि शेयर की कि मम्मी रसे वाला जो कटहल होता है वो कैसे बनाती हैं, तो आप हमें भी बताना कि आपकी रेसिपी कौन सी है कमेंट सेक्शन में, और आप हमें ये भी बताना कि आपको ये कटहल की सब्जी मम्मी की विधि जो मम्मी ने आपके साथ शेयर की वो कैसी लगी। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।